Welcome, how are you? I hope all of you are fine and doing well. We are going to learn about the unit number 11. Unit 11, name of our unit 11 is simple equation, topic exercise 11b, page number 141. Okay, we are going to learn the remaining question of 11b. I am going to start with question number 5 from 11b exercise. Okay, let's understand the question, statement of our question. If 3 is subtracted from a number, अगर हम एक नंबर में से 3 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस निकाल देते हैं, एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाई बाय 13, तो जो वैल्यू बचती है उसको हम जो रिमाइंडर हमारे बच जाता है, रिमाइंडर मतलब जो पीछे चीज़ बच जाती है, जो वैल्यू बच जाती है उसको अगर हम 13 से मल्टीपल करवाएँ तो उसका हमारे पास द प्रोडक्ट इज 91, उसका हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा 91। सपोज करते हैं जो नंबर जिसमें से हम 3 को माइनस कर रहे हैं वो एक्स सपोज कर लेते हैं, तो हम हमें क्या कहते हैं फाइंड द नंबर। अब हमने जो सपोज किया था यहाँ पे, सपोज द नंबर इज एक्स, तब हम इस एक्स को हमने फाइंड करना है। ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सपोज द नंबर इज एक्स, हमने सपोज किया कि हमने जो यहाँ पे नंबर लिया था वो एक्स ले लिया। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, सो हमने उस नंबर में से जो हमने सपोज किया हुआ एक्स है उसमें से 3 को माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इस तरह की जो हमें कंडीशन दी हुई है उनके मुताबिक हमें क्या कहता है, एक्स माइनस 3 इफ द 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाई बाय द 13, तो जो रिमाइंडर रह जाता है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया 13 से, द प्रोडक्ट इज 91, तो वो किसके इक्वल होगा 91 के इक्वल होगा। ओके, अब हमने यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 13x, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 39। ओके, अब हम देखते हैं कि 39 की तो लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो 39 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा प्लस, तो हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम पे 39 को यहाँ पे प्लस कर दिया। 91 प्लस 39 इक्वल टू 130। अब देखें जो 13 है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा डिवीजन। देखिए 13 यहाँ से वहाँ पर चला गया, 13 वन टाइम, 13 10 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई 10 टाइम। ओके, अगर हमने देखना है कि आपको क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका हमने क्या देखा था कि जो x की वैल्यू है अगर हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास मस्ट आंसर क्या आना चाहिए 91, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।